नमस्कार जी, क्या हाल है? पढ़ने ये पहुंचे हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तूफान का यहाँ तक कोई असर तो नहीं हुआ, लेकिन बारिश ठीक होगी? ये बारिश तो खेतों में ठीक काम करेगा और जुताई हो जाएगी, और इतना नुकसान तो हो ही जाता है, फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे? यहाँ क्या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पक्की के दीवार ढह गिर पीर टूट गए, बांस है फिर अपना बांध देंगे? हिसार में जो हुआ ठीक नहीं हुआ, हिसार में सरकार कोई ठीक, हाँ सरकार कहाँ ठीक कर रही, सरकार तो कर ही नहीं रही ठीक, किसानों पर लाठी चार्ज कर रहा वहाँ पर, और किसानों पर मुकदमे लिख दिए, जिन किसानों को चोट लगी वे भी मुकदमे लिखवा लगे, तो क्या सरकार लिख देगी? किसानों में सरकार में सहमति हुई है उसी मुद्दे को, सहमति हुई थी लेकिन दो दिन बाद में मुकदमे लिखने, तो सरकार अपने वादे से पीछे हटी क्या? तावते तूफान की चेतावनी पहले से मिल चुकी थी, सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से काफी जाने गई है कई राज्यों में। हाँ कई राज्यों में बहुत जाने गई, तूफान की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, स्पीड थी, यहाँ तो नहीं इतना ज्यादा नुकसान हुआ। आज देखने आए, पूरे सर्वे करने आए आज, और सब लोग राजा राम जी, अमला राम जी सब लोग हैं यहाँ पे, युद्धवीर सिंह सारी पूरी टीम आई के भाई यहाँ किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें देखने यहाँ पे आए यार। काफ़ी लंबा आंदोलन चल चुका है लेकिन तो ज़्यादा लंबा कहाँ होगा, 6 महीने तो हुई अभी, ज़्यादा लंबा कहाँ हो गया, अभी नहीं ज़्यादा लंबा हुआ, अभी तो चलेगा ये इंतजाम अब बरसात के करने इनको, क्योंकि अब पहली बरसात थी एक, तो इससे पता चलेगा कि कहाँ पानी आएगा, कहाँ से छत टपकेगी, कहाँ कच्चा हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्शन करें और ज़्यादातर चादर अब लगेंगी, पक्के भी होंगे। जैसे महामारी चल रही है, अब ब्लैक फंगस भी आ रही है संक्रमण के बाद, देखो बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, ये कोई एक जगह थोड़ा मिलेंगे भाई, कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा, सरकार कहीं काम की है, सरकार को हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, सरकार को स्कूल पे काम करना चाहिए, जो भी इलेक्शन लड़ रहा वो दूसरे उस पे काम कर रहा, देश में तो अब काम हॉस्पिटल पर उस पर होना चाहिए। तो संक्रमण से जैसे कई जगह ऑक्सीजन की कमी से भी मौतें हुई हैं, मौत हुई है, तो उसमें हमने सरकारों को लिखा कि आप गांव में हॉस्पिटल, ऑक्सीजन हॉस्पिटल बनाओ, और यूपी में और बहुत जगह गांवों में वो उस पर ट्रायल हुआ, हमने भी वो सिलेंडर खरीदे और वो दिए, तो उनसे बहुत लोगों की जान बची, जो सिख संगठन है उनने भी वहाँ पे गाजियाबाद में ऑक्सीजन हॉस्पिटल उन्होंने चलाया, लंगर चलाया उसका, और अब एक पूरा एक बड़ा करीब 200 बेड का हॉस्पिटल उनको दे दिया चलाने के लिए, और वे वहाँ पे चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल खालसा एड वाले हैं वे चला रहे हैं, पूरा सिख समाज उसको चला रहा है और बड़ा सहयोग कर रहे हैं, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको अलाट कर दिया 200 सिलेंडर हर रोज़ के लिए, जैसे हॉस्पिटलों को देते हैं, तो उनसे बहुत लोगों की जान बच रही, तो हमको चाहिए कि हमको ऑक्सीजन हॉस्पिटल अलग से गांवों में बनाने पड़ेंगे, उस पर सरकारों को कहा है, तो उस पर कुछ सरकारें खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने वहाँ पर काम शुरू करा है, और अपने संगठन के लोग भी लग रहे हैं, और हमने ये कहा सरकारों को जहाँ पर हमारे संगठन की ज़रूरत हो आप बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, इस बीमारी में हम हेल्प करेंगे उसमें। कई जगह देखा जा रहा है कि जिस महामारी के अंदर प्राइवेट अस्पताल है वो चांदी कूट रहे हैं, मरीजों की जान जा रही है लेकिन उसे पैसे की लगी है, क्या संदेश देंगे उनको? उनको संदेश ये है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए उस पर, जो निगरानी कमेटी है वो करे, क्योंकि पाँच अगर किसी का कोविड आ गया तो 5 लाख रुपये उसे चाहिए, और फर्जी कोविड भी वे बताते हैं, तो जब तक सरकार इसको अपने हाथ में नहीं लेगी पूर्ण रूप से, इस बीमारी की मॉनिटरिंग सरकार नहीं करेगी, तो जब तक काम नहीं चलेगा। दूसरी शिकायतें ये भी आई कि जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है और जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए की पॉलिसी भी जिन्होंने करवाई, जिनकी 10 लाख 20 लाख रुपए की पॉलिसी भी है, उसको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा, उन लोग कहते हैं नहीं कैश जमा करो, भाई पॉलिसी अगर उसने करवा दी हेल्थ पॉलिसी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टर है हमारे, गाड़ियां खड़ी है, उनकी किस जा रही है, तो कोविड में जिस तरह से 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल भारत सरकार ने कहा कि हम निकाल रहे हैं, तो इनको भी होना चाहिए, उनकी किस्तें हैं जो वो करते हैं, होटल वाले हैं ये हैं, तो वो भी आ गए ना, तो वो भी उसमें आना चाहिए। स्कूल है भाई, स्कूल के अगर
माफ़ होगा, कुछ उनको मिलेगा, तो वो बच्चों की भी फीस माफ़ करेंगे। तो वो सब जो भी व्यापार कर रहा है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ आप इंडस्ट्रीज को और बड़े लोगों को लाभ दे दोगे कि उनका नुकसान हो गया। नुकसान तो जो छोटा आदमी भी काम कर रहा है, नुकसान तो उसका भी है। एक टैक्सी ड्राइवर है, नुकसान उसका भी है, तो उसकी भी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। किसान का भी है, किसान का कर्जा है, ब्याज है, तो इन चीज़ों पे भी छूट मिलनी चाहिए उसको। वेजिटेबल्स का किसान है, जो सब्जी का किसान है, वो सबसे ज़्यादा देश में बर्बाद हुआ, वो पिछले साल भी हुआ और इस साल भी। दूध का किसान है, वो वहाँ तक नहीं आ पाता, अपनी मंजिल तक नहीं जा पाता, उसको रोकते हैं। लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ और किसान अपने खेतों की जुताई कर रहा है, तो उसका भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ये तावते तूफान का असर कई राज्यों में हुआ, हाँ कई, लेकिन प्रधानमंत्री तो गुजरात में सबसे पहले गए, क्या बाकी राज्यों में नहीं गए? तो क्या जाना चाहिए उनको, सब जगह जाना चाहिए। प्रधानमंत्री वो गुजरात के थोड़ा है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पे जाना चाहिए सब जगह। और सब जगह जो फंड है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से, उससे उनको पैसा देना चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी नुकसान हुआ है, तूफान से जितना नुकसान हुआ है, उनको कोविड से जितना नुकसान हुआ है, तो भारत सरकार को देना चाहिए वो सब। किसान डटा रहेगा, किसान कहीं नहीं जाता, किसान यहाँ से जाएगा नहीं कहीं भी, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा। कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग है। सरकार तो बार बार प्रयास कर रही है, आ जाएगी सरकार 2024 तक आ जाएगी, किसान कहीं नहीं जाना। 6 महीने को ज्यादा थोड़ा होते हैं आंदोलन को, यहाँ से बहुत सी चीज सीखने को मिला। कल घर वालों के साथ में लड़ाई होगी तो ये टेंट घर के बाहर भी तो काटने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत चीज सीख ली यहाँ पे, एकजुटता सीख ली, मजबूती सीख ली। वैक्सीनेशन को लेके बात चल रही थी काफी समय से कि किसान वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। नहीं, हमने कभी मैंने नहीं करा, सरकार नहीं कर रही, वो कैंप लगाए और करे, कौन मैंने कर रहा है उनको। तैयार है, हाँ हम तो तैयार है, हमने तो पहले भी कहा, और कुछ बोर्ड रूपए उन्होंने एक आध दिन कैंप लगाए, क्योंकि दवाई सरकार के पास नहीं, नाम किसान के कह रहे भाई दवाई हो तो लगवा दो ना, यहाँ सेंटर खोल दो, गांव वाले भी लगा लेंगे, किसान भी लगवा लेंगे, ये पुलिस के लोग भी लगवा लेंगे, सब खोल दो इकट्ठा ही लगवा लेंगे। है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। चलो ये साहब, ये तो किसके दे रखे आजकल में है, इनके पास ही है, ये थोड़ा सी लोगों का है, ये तो 2-3 तो लगे, ये और बड़ा लगाना चाह रहे थे तो बचा रहा जी, 2 दिन आगे भाई, बहुत बड़ी है, आ जाएगी।